नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार हम कुणुप्रिया इस रचना को लेकर कई भागों से देख रहे हैं। इसके पूर्व इस रचना को लेकर 3 भाग हो चुके हैं, चौथा जो भाग है आज हम उस बात को लेकर या इस कृति को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, कुणुप्रिया के जो रचयिता है डॉक्टर दर्वीवर भारती जी, हिंदी साहित्य के मूर्धन्य ऐसे साहित्यकार, और उन्होंने जो इस कुणुप्रिया इस महाकाव्य गद्यकाव्य ऐसे अनेक प्रकार के बातें कही जाती हैं इस रचना को लेकर, लेकिन इस काव्य रचना को लेकर निश्चित ऐसा मत किसी भी साहित्यकार का नहीं है, ये बात आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है। तो इस जो अध्ययनांतर की गई जो कविता है कुणुप्रिया, उसमें से कई सर्गों को लेकर हम देख चुके हैं, जैसे कि सेतु में अमंगल छाया, तथा अगला जो सर्ग है एक प्रश्न। आज इस एक प्रश्न इस के बीच जो काव्य पंक्तियां हैं इसको लेकर हमें देखना है। जैसे कि ये पूरी ये जो कविता है महाभारत इस महायुद्ध के पृष्ठभूमि को लेकर, और कृष्ण की जो प्रिया है राधा है, इस राधा की व्यथा इस कुणुप्रिया इस कविता में स्पष्ट हो चुकी है। उसका जो भाव है कृष्ण से बिछो हो जाने के बाद उसके मन में इस महायुद्ध को लेकर जो बातें चलती हैं, ये सारी बातें धर्मेंद्र भारती जी ने इस अनेक सर्गों के माध्यम से हमारे सामने। तो हम 2 सर्ग को लेकर हम देख चुके हैं, जो तीसरा सर्ग है वह है एक प्रश्न। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, इस बात को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला सर्ग क्या है देखिए, अच्छा मेरे महान कुणु, मान लो कि क्षणभर को मैं यह स्वीकार करो कि मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल असुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं स्वीकार करूं कि पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड क्षमाशील वादा यह तुम्हारा युद्ध सत्य। 3 पंक्तियों को लेकर देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, इनमें कठिन शब्द है तन्मयता, इस शब्द का अर्थ है तल्लीनता। सुकोमल, इस शब्द का अर्थ है नाजुक। रंगे हुए, ऐसा जो शब्द प्रयोग यहां हुआ है संदर्भी अर्थ है बनावटी। रंगे हुए इस शब्द का अर्थ बनावटी है। अर्थहीन, इस शब्द का अर्थ है बेईमानी। तो ये पूरी कृति दर्वीवर भारती जी की महाभारत के महायुद्ध के पृष्ठभूमि को लेकर है। आप जानते हैं विद्यार्थी मित्रों, श्री कृष्ण तथा राधा के बीच का जो प्रेम है स्नेह है वो जो हिस्सा है अलग प्रकार, वो जो जीवन है राधा और श्री कृष्ण को लेकर, इनकी अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं, अनेक ऐसे कवियों ने इस लीलाओं को लेकर लिखा हुआ है,
और इन दोनों के बीच के इस स्नेह को कई बार कई लेखकों कवि कई ऐसे कवियों ने इन बातों को उजागर किया है। ये संदर्भ यहाँ है। तो यहाँ राधा के मन में जैसे कि अमंगल छाया इस सर्ग के अंतर्गत हमने देखा कि राधा का अचेतन मन चेतनावस्था ऐसे राधा को कई प्रश्न करता है। यहाँ कृष्ण यानी कनु उपस्थित नहीं है और राधा अपने इस कनु को कनु यानी कृष्ण को प्रश्न करती है। अच्छा मेरे महान कनु, अब देखिए कि यह शब्द प्रयोग कैसा किया गया है कि महान कनु ये जो श्री कृष्ण तथा राधा इनके बीच का जो जीवन था एक अंग है श्री कृष्ण के और राधा के बीच के जीवन को लेकर। लेकिन आगे चलकर ये जो महाभारत का महायुद्ध हुआ उसके अंतर्गत की जो भूमिका है इस भूमिका के कारण श्री कृष्ण यानी राधा के जो प्रियतम है प्रिय है ये इस संसार के लिए एक महान व्यक्तित्व साबित हुए। इसीलिए ऐसा शब्द प्रयोग यहाँ प्रश्न करती है राधा, यहाँ जो है श्री कृष्ण से संबोधित कर रही है। श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है लेकिन सवाल है प्रश्न है। मान लो कि मैं ये स्वीकार करूं, मैं स्वीकार भी करती हूँ कि अपने पूर्व जीवन को लेकर राधा तथा श्री कृष्ण के बीच के प्रेम को लेकर ब्रज के अंतर्गत के अनेक लीलाओं को लेकर केवल राधा प्रेम चाहती है और इस महायुद्ध के महानायक के रूप में जब श्री कृष्ण यहाँ खड़े हुए तब श्री कृष्ण और राधा के बीच यानी बिछोह हुआ तब राधा इन यादों को स्पष्ट करती है कि ये जो तल्लीनता के गहरे क्षण है ये यादें हैं ये केवल भावावेश है, केवल ये जो नाजुक ऐसे कल्पनाएं थी। या ये भी एक प्रश्न है राधा के मन में उठ रहा है कि ये सारा ये जो पहला श्री कृष्ण तथा राधा के बीच का ये जो स्नेह है प्रेम है ये केवल बनावटी था, ये एक केवल यानी बेईमानी की बात है। लेकिन यहाँ राधा कहती है कि जो भी शब्द है अपने पूर्व जीवन को लेकर या महाभारत इस महायुद्ध के पहले जब श्री कृष्ण तथा राधा ये जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे वो जो एक जीवन है उस जीवन को लेकर यहाँ राधा कहती है कि उस समय की जो सारी बातें हैं ये पूरी तरह से आकर्षक है, बिल्कुल यानी कि मेरे लिए बहुत ही आकर्षक ये सारे शब्द हैं। आपके लिए आज की परिस्थिति में ये बेईमानी लगते हो, आपके लिए ये सारे अर्थहीन मेरी ये जो भावनाएं हैं आपको लगती है, मेरी जो सुकुमोल ऐसी कल्पनाएं हैं इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही आकर्षक है और मेरे लिए बहुत ही ये अच्छे यानी स्मरण है। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार करूं कि पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला ये तुम्हारा युद्ध सत्य है। तो यहाँ महाभारत के अंतर्गत की जो श्री कृष्ण की भूमिका है, श्री कृष्ण राधा से जब इन्हें टूट कर जब इस महाभारत के महायुद्ध के अंतर्गत इन्हें वे आ गए अर्जुन के साथ, उस समय जो अर्जुन को उपदेश यहाँ श्री कृष्ण ने दिया ये जो उपदेश है सारे संसार के मानव जाति के लिए उपदेश है, क्योंकि जीवन के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं, इन प्रसंगों का सामना किस तरह से करना चाहिए ये उपदेश अर्जुन को दिया गया उपदेश ये श्री कृष्ण के माध्यम से है। न्याय और अन्याय को लेकर
की गई बातें, धर्म और अधर्म के बीच किस प्रकार की बातें होती है, ये किया गया उपदेश। और दूसरी बात यह है कि जो क्षमाशीलता है उनके बारे में भी दिए गए श्री कृष्ण के उपदेश। ये सारी जो बातें हैं कि संसार में जभी जभी अधर्म की बात होती है तो धर्म को यानी सही रास्ते पर रखने के लिए ये युद्ध करना पड़ता है, इसी प्रकार के जो संकेत, इसी प्रकार के जो उपदेश है, ये सारे मानव जाति के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन के माध्यम से दिए गए। इसलिए ये सारी बातें आदर्श की बातें, महानता की बातें हैं और ये तो सत्य है। महाभारत ये जो महान ऐसा जो ग्रंथ है विद्यार्थी मित्रों, ये जो है कि आज के तथाकथित समाज के अंतर्गत जो चल रहा है इसका एक वास्तव ऐसा दर्शन है, जो कि जब भी लिखा गया है महाभारत, ये जो महाकाव्य लिखा गया, इसी अनुभव के माध्यम से आने वाले अनेक पीढ़ियां इस बात को लेकर कई बातें जीवन के लिए मार्गदर्शक बातें ये आत्मसात करती रहती है। इसीलिए महाभारत त्रिकालवादी सत्य है ऐसा कहा जाता है। महाभारत आज भी है, षड्यंत्र की बातें आज भी है, आज भी धर्म और अधर्म की बातें हैं, आज भी अनेक न्याय और अन्याय की बातें हैं। इसको लेकर जो संघर्ष करने का उपदेश है ये श्री कृष्ण का अनेक युगों के लिए इन्हें फायदेमंद यानी साबित हो चुका है। इसीलिए यहाँ राधा जो कहती है कि तुम्हारे जो सत्य है, सत्य और असत्य के बीच की जो लड़ाई है, इसके कारण ये जो महाभारत का महायुद्ध और इस के बीच जो उपदेश देने वाले श्री कृष्ण जो कि राधा के प्रियतम, ये महान बने। ये जो मानवीय जीवन को लेकर जो सिद्धांत की जो बातें यहाँ श्री कृष्ण ने की, ये मेरी समझ में नहीं आती है, ये तुम्हारा सारा सत्य है इसके कारण आप महान बने हो, ये मैं नहीं जानती। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच के कुछ पल जो है जीवन के अंतर्गत के जो पल है उनकी यादों में, उनके स्मरण में, उसको याद करती हुई बाहवावेश होकर अपने पुराने ऐसे स्मृतियों की कोमल ऐसे यादें रख कर श्री कृष्ण को देखती है। ये महायुद्ध, ये तत्व ज्ञान, ये सिद्धांत, ये इन बातों को लेकर राधा को कुछ लेना देना। इसलिए वे कहती है कि पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय और दंड, ये क्षमाशीलता की सारी बातें तुम्हारी सत्य है लेकिन मेरी समझ में नहीं आती। तो आगे राधा अपने क्या अपने भावनाएं किस तरह से संबोधित करती है श्री कृष्ण को लेकर देखिए। तो भी मैं क्या करूं, मैं तो वही तुम्हारी बावली मित्र जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने मुझे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। राधा कनु से संबोधित करती, तो ये जो धर्म अधर्म की बातें और आपकी महानता का ये जो ऊंचा शिखर है इसके कारण आप महान बने, इसको ये बातें मैं नहीं जानती। तो राधा बहु अपने क्षणों को याद करती हुई, पुराने बहु के क्षणों को याद करती हुई अपनी भावनाएं यह अभिव्यक्त करती है और कहती है, तो भी मैं क्या करूं, मैं तो वही हूं, आप बदले मेरे नहीं रहे। महाभारत के महायुद्ध के महानायक बने, जीवन को लेकर उपदेश देने वाले उपदेशक बने, सिद्धांत और तत्व ज्ञान बताया यानी आपने बताया, ये मेरी बातें समझ में नहीं आती है,
मैं तो तुम्हारी बावरी, बावरी का अर्थ है पागल, तुम्हारे प्रेम में पागल ऐसी जो तुम्हारी मैं मित्र हूँ, जिसको यानी उस समय में जो प्रेम और स्नेह की बातें तुमने, जो प्यार की बातें जो समझाई, वो जो ज्ञान मुझे आपसे मिला है और उनके कारण मैं आपसे जुड़ गई और आपके ऊपर अपार स्नेह रखती हूँ। मैं इतना ही जानती हूँ जो कुछ भी इन्हें तुमने दिया है उसे समेट कर मैंने केवल उस दृष्टि से देखा है, एक प्रियतम की दृष्टि से आपकी तरफ देखा है, अपने प्यार की दृष्टि से आपकी तरफ देखा है। ये आपका ये जो दूसरा महान रूप है, ये महान रूप भला संसार के लिए सत्य है, कटु सत्य है, लेकिन मैं इसे नहीं समझ पाती हूँ, मैं तो केवल प्रेम की भाषा समझ पाती हूँ। इसी प्रकार की बातें तुम्हारे पास यानी ये जो इतिहास है, इस महाभारत के महायुद्ध का एक महान इतिहास संसार के सामने खड़ा रहा, लेकिन मैं इसका अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर ये क्या है। मैं तो केवल प्रेम को जानती हूँ, प्रेम की भाषा जानती हूँ, इसीलिए मुझे ये इसका अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है। तो इसी प्रकार की भावुकता के साथ अपनी भावनाएं संबोधित करती हुई कनु के सामने यहाँ राधा ये सारी बातें सामने रखती है। तो यहाँ कनु उपस्थित नहीं है, लेकिन राधा के मन में जो उत्पन्न हुए ये जो सारे प्रश्न हैं वे खड़े किए गए। और धर्मवीर भारती ने राधा के माध्यम से ही श्री कृष्ण से ये सारे उत्तर यहाँ स्पष्ट इस कृति के अंतर्गत, इस सर्ग के अंतर्गत स्पष्ट करने की भी कोशिश की है। तो यहाँ धर्मवीर भारती जो भारती जी राधा के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहते हैं, तो ये जो युद्ध है, कोई भी इन्हें युद्ध क्यों ना हो, दो पक्षों के बीच होता है और युद्ध का परिणाम सर्वनाश होता है, विनाश होता है, दोनों पक्षों के अड़े सैन्य सेना मारी जाती है, इसमें धन की जो है हानि होती है, मनुष्य की हानि होती है और अनेक प्रकार के ये जो प्राणी मात्राएं हैं इनकी भी हानि होती है। युद्ध नाश को दर्शाता है और राधा प्रेम को जानती है। तो ये जो संसार है, इस संसार के बीच जो संसार चलता है प्रेम के रास्ते से चलता है, और जब इन्हें प्रेम होता है संसार और समाज के अंतर्गत एक दूसरे के प्रति, तब समाज शांत होता है, और जब समाज शांत होता है तब इन्हें समाज का विकास होता है। ये सारी बातें धर्मवीर भारती जी राधा की इस भावना के साथ यहाँ अभिव्यक्त करना चाहते हैं। आगे देखिए, अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहाँ अब शस्त्रों से नदी भी अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है, जर्जर बतकाएं किसकी है, हरी हुई सेनाएं जीती हुई सेनाएं नव को कपाते हुए युद्ध घोष क्रंदन स्वर भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक है। चारों दिशाओं से उत्तर को उड़कर जाते हुए गद्धों को वृद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कुनु उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है किसका जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें
कठिन शब्द है, कुछ इस काव्य पंक्तियों में कठिन शब्द है। निहारना, इस शब्द का अर्थ है देखना। जर्जर, इस शब्द का अर्थ है टूटी फूटी, टूटना फूटना। क्रंदन, क्रंदन का अर्थ है विलाप रोना। और अमानुषिक, अमानुषिक यानी जो मानवीय न हो उसको अमानुषिक ऐसा कहा जाता है। और वृद्ध, ऐसा एक शब्द प्रयोग इस काव्य पंक्ति में हो चुका है। वृद्ध का अर्थ है गिद्ध, जो कि मरे हुए जानवरों को, जो ये पशु आते हैं और उसे खाने की नोचने की जो कोशिश करते हैं, ऐसे जो पंछी होते हैं उसे गिद्ध ऐसा कहा जाता है। तो आगे बढ़ेंगे इस एक प्रश्न, इस सर्ग के अंतर्गत की राधा के भावनाएं और सुमोल ऐसी जो उनकी कल्पनाएं हैं, जो कि राधा यहाँ इस युद्ध को लेकर इन्हें संतुष्ट नहीं है, युद्ध ये निरर्थक मानती है राधा। और स्नेह और प्रेम यही जीवन को सफलता के रास्ते पर लेकर जाता है, ये भावना राधा की रही है। और इस राधा की भावना के माध्यम से ही डॉक्टर गर्भवीर भारती जी ने, ये आधुनिक काव्य है और आधुनिक युग के लोगों के लिए एक राधा के माध्यम से धर्मेंद्र भारती जी ने उपदेश ही दिया है कि आखिर ये जो युद्ध है ये नाश का प्रतीक है, स्नेह और प्रेम ये शांति का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, उन्नति का प्रतीक है। ये बातें यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश यहाँ कवि धर्मेंद्र भारती जी ने की है। तो आगे की जो भाव कल्पकता है राधा की क्या रही है। राधा अपने कुनु, कुनु यानी कृष्ण, अपने श्री कृष्ण से क्या कहती है, देखिए। अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां सब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्तियां रोज रोज कहां जाती। एक देखिए कि प्रसंग कैसा है, महाभारत के महायुद्ध के समय में जमुना के किनारे ब्रज के अंतर्गत, वहाँ का उस राज्य के अंतर्गत जो एक भयंकर ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई, क्योंकि कौरव और पांडवों के बीच का ये जो महायुद्ध था इसके कारण आम तौर की जनता भयभीत थी, ऐसा ये प्रसंग है। और उस समय में जो कि श्री कृष्ण ये महाभारत महायुद्ध के महानायक बने, और ये महानायक श्री कृष्ण ये राधा के प्रियतम थे, तो राधा को इस महायुद्ध की भाषा समझ में नहीं आती, या महायुद्ध ये निरर्थक लगता है। और यहाँ राधा क्या सोचती है कि उन यादों को स्मरण करती है जो कि श्री कृष्ण के साथ जो जमुना के किनारे कुछ पल उन्होंने बिताए थे, श्री कृष्ण का वह स्नेह भरी बातें, श्री कृष्ण और राधा के बीच का जो अपार ऐसा स्नेह प्रेम, ये एक अलग प्रकार का जी यानी श्री कृष्ण तथा राधा के जीवन का हिस्सा रहा है। और उन्हीं यादों को साथ रखकर याद यानी राधा कहती है कि अपनी जमुना, जो कि जमुना के किनारे घंटों अपने आप को मैं निहारती थी आपके इंतजार में, प्रियतम आपके इंतजार में मैं वहां खड़ी। और आज ये महायुद्ध का वातावरण, इस वातावरण में मैं देख रही हूं जहां इस जमुना के किनारे मैं तुम्हारा इंतजार घंटों तक यानी क्या करती थी और अपने आप को निहारती थी, देखती थी कि मेरे प्रियतम कब आ जाएंगे, उसी जमुना के किनारे मैं क्या देख रही हूं, ये प्रश्न है। मैं उस जमुना के किनारे यह देख रही हूं कि वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाएं जिनकी गिनती
नहीं की जा सकती इतनी नौकाएं कि जो पंक्तियां कतारें रोज रोज इस जमुना से गुजरती है, ये कहां जाती है? ये युद्ध मुझे नहीं मालूम, मैं तो केवल इन्हें अपने स्नेह को याद करती हुई जमुना के किनारे यहां खड़ी हूं और मैं देख रही हूं आज इस महायुद्ध के समय में, मैं इस वातावरण को देख रही हूं, इस दृश्य को देख रही हूं कि इस जमुना के माध्यम से, जमुना के बीच में से अनेक रथ, अनेक ऐसे जो नौकाएं इस जमुना के माध्यम से चली जाती है। धाराओं में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है? महायुद्ध वहां शुरू है। ये नौकाएं जाती हुई मैं देखती हूं और मैं ये भी देख रही हूं कुनु कि इस महायुद्ध के परिणाम के कारण, भयंकर विनाश के परिणाम के कारण इस जमुना के धारा में अनेक रथ टूटे हुए बनते हुए मैं देखती हूं। ये जर्जर पताकाएं हार जीत को लेकर, मारपीट को लेकर, महायुद्ध, ये जो युद्ध महाभारत का महायुद्ध हुआ, इससे भयंकर हानि हुई, मनुष्यों की हानि हुई, सेनाओं की हानि हुई, दोनों पक्षों के बीच के यानी जो रथ है, घोड़े हैं, ये सभी लोग यानी के सब पशु पंछी तथा मानव तथा धन संपत्ति का विनाश हुआ। और मैं देखती हूँ आज क्या देखती हूँ, तो ये जर्जर पताकाएं, टूटी फूटी ऐसी जो पताकाएं, ये कहाँ जाती है? ये क्या है? कौन तुम? एक मेरे थे और उस समय में मैंने तुम्हें जाना है, पाया है, उस स्नेह को पाया है, उस प्रेम को समझ, यानी क्या प्रेम की भाषा तुमने मुझे समझाई, प्रेम का ज्ञान मुझे समझाया, लेकिन तुम ही महानायक बनकर इस दृश्य को मैं देख रही हूँ, इस जमुना के किनारे बैठकर देख रही हूँ कि ये टूटी फूटी ये जो रथ है, पताकाएं हैं, जर्जर पताकाएं हैं, ये इस जमुना से बहती हुई देख रही हूँ, ये पताकाएं किसकी है? ये किसी भी की क्यों ना हो, युद्ध दोनों पक्षों के बीच होता है, केवल यानी कि एक यानी किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, ये भी बात निश्चित है, लेकिन किसी की जीत होने से उसकी कोई हानि नहीं होती है और हारने वाले की हानि होती है, युद्ध के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ये कई सवाल है यहाँ कि ये पताकाएं किसकी है? हरी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं नभ को कपाते हुए युद्ध घोष क्रंदन स्वर। मैं सुन रही हूँ उस जमुना के किनारे जहां मैं तुम्हारा इंतजार करती बैठती थी और स्वयं को निहारा करती थी, उसी जमुना के किनारे मैं देख रही हूँ, या ऐसा दृश्य देख रही हूँ, इस महाभारत के महायुद्ध का भयंकर विनाश मैं देख रही हूँ। कौन ये क्या है? और ये जो कि हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, दिन प्रतिदिन यानी क्या है, मारपीट की ये जो बातें, बातें हुई हारी हुई सेनाएं, जीती हुई जयघोष करती हुई सेनाएं, और इस युद्ध के अंतर्गत जो पीड़ित है, जिसके हाथ टूटे हैं, जिसके पैर टूटे हैं, ऐसे जो अनेक ऐसे जो लोगों की क्रंदन, रोने की आवाज, विलाप, जो कि लब को भी छेद सकता है, इतनी भयंकर परिस्थिति, ये क्रंदन है उन स्त्रियों का जिनके पति इस युद्ध के अंतर्गत मारे गए, ऐसे बच्चों का क्रंदन, ये भयंकर परिस्थिति। और दूसरी बात कनु, मैंने ये भी सुना है कि भागे हुए सैनिकों के माध्यम से अकल्पनीय, जो कि मानवता को कभी शोभा न देने वाली घटनाएं इस युद्ध भूमि में किस तरह से हुई है, ऐसी कई बातें हरे हुए सेनाओं के माध्यम से मैंने सुनी है। क्या ये सब सार्थक है?
बड़ा सुंदर सवाल यहाँ गुरु को किया गया है। महाभारत के इस विनाशकारी सदृश्य की कल्पना या सदृश्य की वास्तविकता को जानते हुए राधा अपने गुरु से एक सवाल करती है कि क्या ये सब सार्थक है जो कि मेरे साथ तुम थे जमुना के किनारे वृक्ष के अंदर, तुम्हारी वो प्यारे थे, तुम्हारा वह इनके वंशी बजाना, तुम्हारा वह सारे इनके है लोगों के बीच इन्हें स्नेह बांटने का ये तुम्हारा ये जो भाव है, मैं उस भाव को अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ये तुम्हारा जो रूप है इस महाभारत के महायुद्ध के अंतर्गत का महानायक के रूप में, ये अमानुष ऐसा इन्हें घटनाएं यहाँ इस युद्ध के अंतर्गत इन्हें हुई, ये सारी घटनाएं जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ऐसी घटनाएं घटित हुई है, ये हरे हुए सैनिकों के माध्यम से मेरे ये सारी बातें सामने आती हैं, क्या ये सार्थक है? प्रेम के माध्यम से जीवन की सार्थकता स्पष्ट करने वाले प्रभु तुम आज इस भयंकर अकल्पनीय अमानवता का संहार, अमानवीयता के साथ मनुष्य प्राणी मात्राओं का संहार करने वाले इस युद्ध के मानाए, क्या ये सारी बातें सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए गद्दों को क्या तुम बुलाते हो? क्या तुम इतने क्रूर हो गए हो मेरे कुलु कि इस महायुद्ध के महानायक बने और इतनी हानि, इतनी अकल्पनीय ऐसी अमानवीयता की बातें घटनाएं यहाँ हुई, क्या ये यानी जीवन के लिए सार्थक है? और उत्तर से उड़ कर जाते हुए गद्दों को मैंने देखा है, ये गद्द या गिद्ध क्यों जाते हैं? तो रणभूमि के ऊपर या युद्ध भूमि के बीच जो प्राणी मात्राएं और मनुष्य जो मारे गए हैं उसके जो शव है उसको नोच नोच कर खाने के लिए ये गिद्धों का यानी समूह आसमान से जमुना के यानी क्या है किनारे से आसमान से यानी वहां जाते हुए देखा है। और ये गिद्ध क्या कुनू तुम इन गिद्धों को तुम बुलाते हो? उस याद को याद कर, उस बात को याद करती है राधा यहाँ, जब इन्हें राधा के संग जमुना के बीच या जमुना के किनारे ब्रज में बंसी बजाने वाले ये श्री कृष्ण और अपनी बांसुरियाँ बजाकर इन्हें दूर चले गए इस अपने भटके हुए गायों को अपने बांसुरियों के आवाज़ के माध्यम से बुलाते थे, ये तुम्हारा रूप है। और दूसरा इस महायुद्ध के अंतर्गत का ये दूसरा तुम्हारा ही रूप है जो कि गिद्ध की पंक्तियाँ यहाँ से युद्ध भूमि पर जो जानवरों को और मनुष्य प्राणी मात्राओं को नोचने के लिए चली जाती है, क्या कुनू ये सार्थक है? ये भी सवाल है जो कि इसका उत्तर यानी क्या है हमें सोचना है कि युद्ध और उसके दुष्परिणाम इस भयानकता को यहाँ धर्मी और भारती जी ने राधा के माध्यम से सारी बातें हमारे सामने इन्हें रखी गई है। तो जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कुनु उतनी बटोर कर भी कितना कुछ कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। तो यहाँ राधा अपने प्रियतम यानी कुनु से सवाल करती है कि अब तक मैंने स्नेह पाया आपसे और इसे बटोर कर यानी क्या है मैंने आज तक संजो कर यानी यहाँ रखा गया कि मैं मेरे पास रखा इन यादों के साथ मैं जी रही हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जो महायुद्ध की ये जो भयंकर विनाशकारी इसी जो घटनाएं हैं ये मेरी समझ में नहीं आती है, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है कि कुनू ये आखिर क्या है मेरे कुनू हो। और तुम्हारा ये जो दूसरा युद्ध के अंतर्गत का ये जो दूसरा रूप है ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ आखिरी सवाल क्या है देखिए सर्ग के अंतर्गत अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो सार्थकता है क्या बनू, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे तो सार्थक फिर क्या है कुनू? पर इस सार्थकता को
तुम मुझे कैसे समझाओगे? बड़ा सुंदर सवाल यहाँ यानी राधा ने श्री कृष्ण के सामने संबोधित करते हुए कहा गया कि यानी यहाँ कहते कि अर्जुन को तुमने समझा दिया, उपदेश दिया कि तुम्हें ऐसा करना ही है, युद्ध करना ही है। अर्जुन को उपदेश देने वाले तुम कौन हो? मुझे भी समझा दो कि मैं तुम्हारे स्नेह को लेकर, प्रेम को लेकर जमुना के ब्रज के बीच इन्हें तुम्हारा इंतजार करती हुई कहीं यहाँ बैठी हूँ, और मेरे जो तन्मयता के क्षण है, तल्लीनता के क्षण है, तुम्हारी यादों की तल्लीनता, ये तुम्हें जरूर इन्हें कहे कैसे लगते हैं, नाटकीय लगते हैं, जरूर तुम्हें निरर्थक लगते हैं, लेकिन कोनो मुझे भी इन्हें समझा दो कि आखिर जिस तरह से तुमने अर्जुन को उपदेश दिया था रणभूमि के अंतर्गत, उसी के अनुसार मैं इस ब्रज के भूमि पर तुम्हारे इंतजार में खड़ी, मुझे भी समझा दो कि आखिर सार्थक क्या है, क्या जीवन यानी युद्ध से सार्थक होता है, क्या जीवन युद्ध से सफल होता है, क्या। इन बातों को जिस तरह से अर्जुन को समझा दिया था उसी तरह से मुझे भी समझा दो यानी कुंड राधा इसी तरह से बात करके, पर इसकी सार्थकता तो तुम मुझे कैसे समझाओ, तुम मुझे नहीं समझ इन बातों को समझा सकोगे, क्योंकि ये बात यानी बहुत यानी अलग बात है, मेरी बात और यानी इस महायुद्ध के अंतर्गत के महानायक के रूप में तुम्हारा ये जो भूमिका है ये बात यानी अलग प्रकार की है, और मेरे ब्रज के अंतर्गत जमुना के बीच यानी मेरे साथ की जो भूमिका है ये अलग प्रकार की है। तो यहाँ कुणु के माध्यम से या कुणुप्रिया के माध्यम से अर्थात राधा के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने कई सवाल यहाँ संबोधित करते यानी हमारे सामने रखे गए, जिसका उत्तर ये है कि हमें अपने जीवन के अंतर्गत युद्ध करने से यानी कभी किसी जाति वर्ग समाज का विकास और उन्नति कभी नहीं हुई है। युद्ध से भयंकर यानी उसका परिणाम यानी क्या नाश होता है, और जो कि एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्रेम की भावना समाज और देश को शांति के रास्ते पर लाती है, और शांति ये जो होती है किसी देश और राष्ट्र के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत, तब उस देश की उन्नति और प्रगति की निश्चित होती है। ये आधुनिक बात या धर्मी और भारती जी ने इस सर्ग के माध्यम से और राधा के किए गए प्रश्नों के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमारे सामने रखकर कहीं ना कहीं हमें एक संवेदनशील होकर हम अपने समाज और अपने राष्ट्र जीवन को लेकर सोचे और समझे, और अपने जीवन के रास्ते पर आगे कदम बढ़ाते समय युद्ध ये यानी जीवन की सफलता कभी नहीं हो सकता है, इतना ही संदेश हमें यहाँ से मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम एक प्रश्न इस सर्ग को लेकर इसका विश्लेषण जितना यानी यानी आपको आपकी भाषा में जितना समझाने की कोशिश मैंने की है, इसके आगे के भाग में हम अर्थहीन इस सर्ग को लेकर देखने वाले हैं। धन्यवाद।